अपना नैरेटिव जो है, जो हिंदुत्व का नैरेटिव है, जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, उस नैरेटिव को आगे चला रहे मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, सेलुलॉइड के जरिए। हकीकत वो नहीं है जो ये दिखा रहे हैं। हमें पता है यहाँ हमारे कश्मीरी जो पंडित भाई थे, वो यहाँ से उनका, वो यहाँ से किस तरह से निकाले गए, उस वक्त क्या क्या साजिशें हुई, हमें पता है। हमने हर हमेशा उनकी वापसी के लिए इकदाम किए, उनकी वापसी के लिए यहाँ पे हमने कोशिशें की और हमारा स्टैंड क्लियर है उस पर। लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक और साजिश है जिस देश के अंदर सिचुएशन को पोलराइज कर लिया था। वो मजबूरी थी, जम्मू कश्मीर की राय आमा ये कहती थी, जो असाल्ट 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पे किया गया, उसका मुकाबला करने के लिए हर एक जम्मू कश्मीर के रहने वाले जितने भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मुतहिद होना चाहिए। अवाम की उस राय का हमारी लीडरशिप ने उस वक्त खैर मकदम किया और फैसला लिया कि हर एक को अपने साथ मिलाने का। PAGD उसी का एक नतीजा है देश में। बिल्कुल, आप देख रहे हैं किस तरह पोलराइजेशन किया गया। आपने देखा है भी हालिया इंतखाबात में किस तरह से मजहब के नाम पे वोट लिए गए और चारों स्टेट्स में मेजॉरिटी हासिल की गई। मुझे बताइए, इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की है, जो हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं। जितनी रियासतें थी वहाँ पे भी उन्हीं की कयादत थी, तो हिंदू कहाँ से खतरे में आया, मुझे बताइए। उन्होंने यही नारा दिया हिंदू, उन्होंने कहा हिंदू खतरे में है और पोलराइजेशन की, जो सेकुलर ढांचा था ये भारत का, हिंदुस्तान का, उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। तो उसमें ऑब्वियसली उसमें जो अकलियतें हैं, अकलियतों को आप देख रहे हैं कि अकलियतों को किस तरह से एक भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने किसी अकलियत को मैंडेट नहीं दिया, उसका क्या मतलब है? ये एक्सक्लूजन है, ये मुस्लिम का एक्सक्लूजन किया जा रहा है। उनको जो यहाँ की गवर्नेंस है, जो यहाँ का पावर है, जो यहाँ की हुकूमत साज